हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनाली। वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ अगेन समथिंग अबाउट हेयर। 80% दुनिया के लोग हेयर फॉल की समस्या से जाते हैं डेली लाइफ में, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आम समस्या है। मेल पैटर्न बाल्डनेस तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है 30 के एज तक के पूरे मेल्स में। तो फ्रेंड्स, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने के लिए उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। किन किन रीज़न की वजह से हेयर फॉल होता है, इसको हमें पहले ध्यान में लेना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैं टोटली सीवियर हेयर फॉल के जितने भी रीज़न रह सकते हैं पूरे रीजन्स कवर करूंगी और उसके एक्सप्लेनेशन साइंटिफिकली दूंगी, ताकि आप समझ सकें कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। अगर आपके डेली के 50 से 80 बाल टूटते हैं या फिर आपको कंघी में मिलते हैं, पिलो में मिलते हैं, इट्स कॉमन, इट्स लाइक ए नॉर्मल थिंग, क्योंकि इतने बाल झड़ेंगे और उतने बाल आपके एक महीने में आएंगे भी। पर अगर उससे ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत है। सर्टन डिजीज, लाइफ स्टाइल हैबिट्स या जेनेटिक्स, इनमें से कुछ रीजन्स की वजह से आपके हेयर लॉस का परसेंटेज बढ़ता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से रीजन्स हैं। तो फर्स्ट है हेरिडिटी। यस, ये आपके जीन्स में अगर है कि आपके मदर या फिर फादर के साइड में कम एज में किसी ने अगर हेयर लॉस एक्सपीरियंस किया है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके कम एज में अगर बाल झड़ना चालू हो रहे हैं और आपके अगर जेनेटिक्स में ये बात है, मैटरनल पैटर्नल साइड में अगर ये बात है, तो आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उस समस्या के शिकार होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो हेरिडिटरी लॉस को भी हम रिवर्स कर सकते हैं, पर इसके लिए प्रिकॉशंस लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रादर देन बाद में अगर आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है तो। सेकंड है नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट। यस, मैं आपको बात बता दूं कि हेयर के लिए जो हमें ओमेगा 3 प्रोटीन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन ए, ये जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, मैंने रिग्रोथ प्लान फॉर हेयर उसके लिए डाइट का वीडियो बनाया है। उसके लिए मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हूँ, आप वो लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा डाइट प्लान दिया है वो किस तरीके से खाना पीना आपका चालू करना है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स आपके बालों के लिए लग रहे हैं वो आपको प्रॉपरली मिले। आपको बता देती हूँ कि अगर आपके न्यूट्रिएंट्स में आपको कमी होगी तो कैसे हेयर लॉस हो सकता है। आपकी पूरी बॉडी के फंक्शन के लिए जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो बराबर से आपके बॉडी के जो इसेंशियल ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे लंग्स हो गया, आपका लीवर, किडनी, जो मेन ऑर्गन है जिसकी वजह से आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, उस ऑर्गन को सबसे पहले मिलते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हो। आपके जो हेयर्स हैं ये इतने ज़्यादा इसेंशियल नहीं समझे जाते आपकी बॉडी के लिए, आप इसके सिवाय भी जी सकते हो, यू कैन लिव, बट इसी वजह से न्यूट्रिएंट्स की अगर डिफिशेंसी हो रही है तो ये आपके बालों को नहीं मिलते, ये आपके स्कैल्प तक नहीं जाते, क्योंकि ये नॉन एसेंशियल पार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको न्यूट्रिएंट्स का जो आपका कोटा है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आपको मिले। सो आपको मैदा, ट्रांस फैट, जो कि मतलब अनवांटेड फैट्स रहते हैं, वो अवॉइड करना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करना है, और शुगर का लेवल आपको कम करना है। बात का फैक्टर रहता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज। यस, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन रहता है, इसका सीक्रेशन नॉर्मल तरीके से होते रहता है, पर एक्सेसिव मास्टरबेशन और एक्सेसिव स्ट्रेस से इसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होता है। अदर फैक्टर्स भी रहते हैं इसको इंक्रीज करने के लिए, बट द प्रॉब्लम इज इसका ओवर सीक्रेशन मेल्स में हेयर लॉस के लिए जिम्मेदार रहता है। वो इस तरीके से होता है कि अपने बॉडी में ये जो पार्ट रहता है क्राउन का, हेड का पार्ट, यहाँ पे सबसे कम ब्लड फ्लो पहुँचता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस कारण जब डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अधिक मात्रा में रिलीज होता है तो वो यहाँ पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और वहाँ से वो हेयर ग्रोथ को बिल्कुल ही स्टॉप कर देता है। तो आपके पैटर्न में इधर बाल्डनेस आने लगती है और सामने के फ्रंटल एरिया में बाल्डनेस आने लगती है। 80% मेंस में ये जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का हार्मोन ओवर सिक्रेशन है, इसी वजह से बाल्डनेस देखी जाती है,
ये वन ऑफ द मेन रीजन रहता है बाल्डनेस का। तो मेरे रिग्रोथ डाइट प्लान में, जिसकी वीडियो की लिंक मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जो मैंने फूड्स बताए वो DHT ब्लॉकर्स करके काम करते हैं। और मेन बात है, हम इस DHT के हेयर लॉस को रिवर्स भी कर सकते हैं, पर अगर आपको कम स्टेज में ही इस बात का पता चल जाए कि इस वजह से हमें हेयर लॉस हो रहा है, तो आप प्रिकॉशन लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात का फैक्टर आता है स्मोकिंग। यस, स्मोकिंग में जो सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है, वो निकोटीन आपके जो ब्लड फ्लो रहता है, जो आपके स्कैल्प की तरफ जाता है, हाइड्रेशन की तरफ जाता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। अगर आपके इस एरिया में ब्लड फ्लो का, ब्लड सर्कुलेशन का अगर प्रमाण कम हो, तो आपकी हेयर ग्रोथ रुकना तय रहता है। तो इस तरीके से निकोटीन ब्लड रेस्ट्रिक्ट करता है, उस वजह से स्मोकिंग अल्टीमेटली आपको हेयर लॉस देता है। बात का फैक्टर आता है एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन। अगर आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स ज़्यादा है, ड्रिंकिंग हैबिट से आपके बॉडी में जिंक और एस्ट्रोजन का जो बैलेंस है वो पूरा गड़बड़ा जाता है। जिंक और एस्ट्रोजन आपके हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जिम्मेदार रहते हैं। इसका अगर प्रमाण कम ज़्यादा हो जाए तो वो अल्टीमेटली आपके हेयर को लॉस देता है, जो कि हेयर को डैमेज करके इंटरनली आपका बाल्ड पैचेस क्रिएट करना चालू हो जाता है। तो अल्कोहल एक्सेस कंजम्पशन इज सीरियसली बैड फॉर योर हेयर हेल्थ। बात का फैक्टर आता है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाता है, जो आपको विजिबली दिखते नहीं है। स्ट्रेस आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो ब्रेन की तरफ जाना रेस्ट्रिक्ट करता है। अगर ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो गया तो अल्टीमेटली आपको सीवियर हेयर फॉल की तरफ ही बढ़ाता है स्ट्रेस। इसलिए एक्सेसिव स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर योर हेयर। बात का फैक्टर आता है सडन वेट लॉस। यस, अगर आप डाइटिंग कर रहे हो या फिर किसी कारणवश आपका जो बॉडी वेट है वो सडनली गिर जाता है, तो ये आपके बालों पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्योंकि जब आपका बॉडी वेट सडनली डिक्रीज होता है तो आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से कम हो जाता है, और आपके ब्लड शुगर लेवल को एक मेंटेन रहना बॉडी के सही मैकेनिज्म के लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है। अगर ब्लड शुगर लेवल सडनली ड्रॉप हो रहा हो तो आपके बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की अचानक से कमी हो जाती है। जैसे हेयर को तो बायोटिन की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, वो कमी अल्टीमेटली हेयर फॉल के रूप में सामने आती है। तो सडन अगर वेट लॉस हो रहा है तो आपको आपके बालों पे कॉन्सेंट्रेट करना, बालों की हेल्थ के लिए प्रिकॉशन लेना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो। एलोपेशिया, जी हाँ, बात का फैक्टर है एलोपेशिया। इसमें आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी की एंटीबॉडीज रहती है, वो एंटीबॉडीज आपके हेयर फॉल के लिए जिम्मेदार हो जाती है जब हार्मोनल चेंजेस अपने आप होने लगते हैं। तो एलोपेशिया में आप देख सकते हैं कि ऐसे आपके बालों को बाल्ड पैचेस आने लगते हैं। तो अगर आपको ऐसे बाल्ड पैचेस आ रहे हैं, इसकी आपकी शुरुआत हो गई है पीछे के साइड में या फिर फ्रंटल साइड में या फिर पूरे हेड में किसी भी रीजन में, तो ये आपको एलोपेशिया की तरफ बढ़ाता है, जो एकदम सीवियर स्टेज रहती है हेयर फॉल की। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ऐसे स्टेज में। बात का मेन फैक्टर है सीक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन TCH, अंडर एक्टिव थायरॉयड ग्लैंड, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें आपके बॉडी में थायरॉक्सिन, यानी जो थायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन रहता है, जिसमें TCH रिलीज होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये हार्मोन आपके बॉडी में हार्ट रेट, मेटाबॉलिक रेट, आपके हेयर की हेल्थ, आपकी स्किन की हेल्थ, ये सब मेंटेन करता है इसका सीक्रेशन। लेकिन जब ये कम सीक्रेट होने लगता है, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, तब आपके नेल्स ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, और आपको हेयर फॉल सीवियर तरीके से होने लगता है। तो आपको अगर सीवियर तरीके से हेयर फॉल होना चालू हो रहा है, तो आपको थायरॉक्सिन की टेस्ट करके एक बार चेक करना चाहिए कि आपका थायरॉयड एक मेंटेन स्टेज में है या नहीं है करके। थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रॉब्लम, थायरॉयड का प्रॉब्लम वुमेन में ज़्यादा पाया जाता है 25+ से स्टार्टिंग होके। सो थायरॉक्सिन टेस्ट करना आपको ज़रूरी रहता है अगर आपको हेयर फॉल सीवियर हो रहा है तो। बात का फैक्टर रहता है एक्सेस ऑफ विटामिन ए। यस, विटामिन ए जो रहता है वो आपकी बॉडी के लिए, हेयर हेल्थ के लिए ज़रूरी रहता है, पर इसका जब परसेंटेज ज़्यादा हो जाए, इसके लिए आपको आपकी डाइट चेक करते रहना पड़ेगा, आपकी टेस्ट करते रहना पड़ेगा कि आपको कितना विटामिन ए नेसेसरी। अगर इसके एक्सेस हो जाए तो वो आपको हेयर लॉस करवाता है।
क्योंकि विटामिन ए जो है ये फैट सोल्युबल विटामिन रहता है, जो आप अगर ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, तो जितना बॉडी को चाहिए उतना ही बॉडी लेगी, बाकी का स्टोर करके रखेगी। अगर इसका स्टोरेज ज़्यादा हो रहा है तो वो आपको हेयर फॉल क्रिएट करता है अल्टीमेटली। सो आपको विटामिन ए का चेक करते रहना पड़ेगा कि बॉडी में कितना रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है करके। बात का पॉइंट है एनीमिया। यस, एनीमिया में आयरन डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में। तो अगर आपके बॉडी में आरबीसी कम है तो आपके ब्लड फ्लो, जो सर्कुलेशन आपके स्कैल्प में जाएगा, उसमें कमी आती है। तो उसमें कमी आती है तो आपको पता है कि अल्टीमेटली वो कॉज करता है आपको हेयर फॉल। तो आप में आयरन की मात्रा ज़्यादा लेना ज़रूरी रहता है। तो आपका आयरन कंटेंट चेक करते रहिए। आपको अगर एनीमिया है तो आपको एनीमिया क्योर करना पड़ेगा, क्योंकि एनीमिया डिसीज़ में सबसे ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम दिखी जाती है। अगर आप अपने बालों की प्रॉपर केयर नहीं ले रहे हो, ज़्यादा आप ऑयलिंग नहीं करते हो, आपके बालों में मॉइस्चराइजेशन की कमी है, डैंड्रफ बढ़ रहा है, फिर भी आप उसका क्योर नहीं कर रहे हो, इससे आपके बालों में फंगल डेवलपमेंट होता है, रिंगवॉर्म टाइप आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो सीवियर हेयर फॉल का रीज़न बन जाता है। तो आपको आपके इन्फेक्शन का क्योर जल्दी करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी इन्फेक्शन दिख रहा हो, थोड़ा भी डैंड्रफ का परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा हो, तो आपको उसको ठीक जल्दी करना चाहिए एक्सटर्नल मेथड से, हेयर मास्क से या फिर ऑयलिंग से। ये काफ़ी ज़रूरी रहता है स्कैल्प इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जो कि एक हेयर फॉल का रीज़न रहता है। एज फैक्टर भी हमारे हेयर फॉल में वन ऑफ द रीज़न रहता है। जैसे जैसे एज होती है, मेलानिन पिगमेंट का सीक्रीशन, मेलानिन पिगमेंट कम होने लगता है अपने बालों में, जिससे हमारे बाल ग्रे टर्न होने लगते हैं, एकदम वाइट वाइट रहते हैं, वाइट हो जाते हैं, और ग्रोथ रेट जो है अपने बालों को वो कम होने लगता है। अगर लेकिन आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो तो इस चीज़ को भी आप रिवर्स कर सकते हो। बाद में केमिकल बेस्ड शैम्पू, हीटिंग टूल्स का ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हो, और आप डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई कर रहे हो जिसमें टाइट पोनीटेल्स से लेके आपकी बालों में स्ट्रेचेस आ रहे हैं, तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न रहता है हेयर फॉल का। PCOS, जी हाँ, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, वुमेन में ही पाया जाता है ये। और इसमें आपके ओवरीज से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसका इम्बैलेंस बॉडी में होता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, तो इस वजह से आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है, और स्कैल्प में आपके हल्का सा इन्फेक्शन टाइप हो जाता है, और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इम्बैलेंस का डायरेक्टली असर पड़ता है कि आपके हेयर फॉल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप अपने 20s एंड 30s में हैं तो आपको PCOS होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो PCOS और PCOD में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना है। मेरी हेयर रिग्रोथ डाइट, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, आप वो डाइट फॉलो कीजिए, आपको हेयर फॉल से तुरंत छुटकारा मिलेगा। प्रेगनेंसी में आपके बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन कम ज़्यादा होने लगता है, जिसमें बॉडी को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो उसका अल्टीमेट असर आपके हेयर्स पे पड़ के आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम होने लगता है। तो उस स्टेज में बस आपको आपकी केयर लेने की ज़रूरत रहती है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि वो फेज जाने के बाद में आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होने लग जाती है। पर आपको वो टाइम पे आपके बॉडी की केयर लेना ज़रूरी रहता है, कि अदरवाइज अगर आप नहीं ले रहे तो आपको बाद में वो समस्या वैसी ही रहती है, और आपके हेयर लॉस का परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स, जी हाँ, नेक्स्ट फैक्टर है बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहती है, और आप कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हो तो आपको उसका असर ज़रूर मिलेगा। जो साइड इफ़ेक्ट रहेगा वो सबसे पहले बालों पे पड़ेगा और हेयर फॉल होगा। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसा कुछ ले तो उसको थोड़ा सा माइल्ड प्रपोर्शन में लीजिए, या फिर कोई दूसरा मीन्स देखिए, बट बर्थ कंट्रोल पिल्स आर वेरी हजार्डस टू योर हेयर हेल्थ। और आपके फैमिली में अगर हेयर लॉस की हिस्ट्री है तो आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना अवॉइड कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये रहे टॉप रीजंस आपके हेयर फॉल के। अगर आपको हेयर फॉल है तो इन लिस्ट में से ही एक रीज़न रहेगा आपके हेयर फॉल का। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस में आपको हर एक रीज़न का सॉल्यूशन मिलेगा। मैं हर एक नया वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें आपको हेयर फॉल के लिए सॉल्यूशन मिलेगा, एक्सैक्ट आयुर्वेदिक, नेचुरल एंड होममेड।
जिससे आपका हेयर फॉल रुकना 100% गारंटीड रहेगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिससे आपको मिलेंगे हेल्दी और शाइनी हेयर। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और बाय बाय।